आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना देश का 29वां राज्य बन गया है। अलग राज्य बनने की खुशी में पूरे तेलंगाना में जश्न का माहौल है। रात भर लोग सड़कों पर पटाखे फोड़ते नजर आए। अलग राज्य बनने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां खिलाकर स्वागत किया। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के रूप में के चंद्रशेखर राव शपथ लेंगे। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने अलग तेलंगाना के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। इससे पहले ईएसएल नरसिम्हन ने तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। विधानसभा चुनाव में 119 में से 63 सीट तेलंगाना राष्ट्र समिति को मिली है। वहीं टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू सीमांध्र के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 जून को शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में टीडीपी बीजेपी को 175 में से 106 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की आज शाम 6 बजे बैठक होगी। बैठक में नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को कुशल प्रशासन के टिप्स देंगे और उन पर कैसे काम करना है बताने पर जोर देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में विलय करने का फैसला किया है। मुंबई आतंकी हमले के बाद नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना हुई थी। बीजेपी स्टाफ के अच्छे दिन आ गए हैं। चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने पर कल पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पार्टी ऑफिस पहुंचकर स्टाफ को 3 महीने का बोनस दिया। मोदी ने कहा अब हमको मिलकर जनता के भरोसे पर खरा उतरना है। मोदी ने कहा कि वो बीजेपी ऑफिस के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कई बार आपको डांट भी पड़ी होगी, आपने काफी कुछ झेला होगा, लेकिन आप लोगों की मेहनत ही रंग लाई है। बीजेपी ऑफिस में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। मोदी ने कहा कि जब अटल जी बतौर पीएम पार्टी ऑफिस में आए थे तब मैंने उनका स्वागत किया था, अब आप मुझे वही सम्मान दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी के ऑफिस आने पर उन्होंने खुद कुर्सियां लगाई थी। उन्होंने अटल जी के साथ गुजारे समय को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। साथ ही मोदी ने कहा कि बीजेपी ऑफिस में गुजारे दिन उन्हें अब भी याद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मनमानी करने पर बाराबंकी की सांसद प्रियंका सिंह रावत को फटकार लगाई है। पीएम ने पिता को सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। पीएम मोदी ने मंत्रियों और सांसदों को अपने स्टाफ में परिजन और रिश्तेदारों को नहीं रखने की साफ हिदायत दी थी। बावजूद इसके प्रियंका ने अपने पिता को आधिकारिक रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फेसबुक पर सर चढ़कर बोल रहा है। पीएमओ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को महज 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात की। पीएम बनने के बाद यह उनकी पहली औपचारिक मुलाकात है। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे को गुलदस्ते भेंट किए। काले धन पर कैबिनेट ने जो एसआईटी बनाई है उसकी पहली बैठक आज होगी। बैठक की अध्यक्षता एसआईटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एमपी शाह करेंगे। बैठक में उपाध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरिजीत प्रसाद और कई अफसर भी मौजूद रहेंगे। केरल के मुख्यमंत्री उमान चांडे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चांडे राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर मोदी से बात करेंगे। चांडे पहले ही साफ कर चुके हैं कि केरल की यूडीएफ सरकार का केंद्र की नई सरकार से कोई विरोध नहीं रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष चितले रिपोर्ट और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। महिला सुरक्षा बिल को लेकर सदन में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रविवार को पृथ्वीराज चौहान सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार को अचानक टाल दिया। मंत्रिमंडल विस्तार पर कदम खींचने की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस के भीतरी मतभेदों को मुख्य वजह माना जा रहा है। शाम 4 बजे नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण होना था। बिहार में जीते नाम मांझी सरकार का आज विस्तार किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार के करीबी पूर्व सांसद ललन सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 20 मई को जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जीतन राम मांझी की अल्पमत सरकार को लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने विधानसभा में बिना शर्त समर्थन दिया है। बदायूं पुलिस का दावा है कि गैंगरेप के 2 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। ये आरोपी कोर्ट में मुकर न जाएं, इसलिए पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लगी हुई है। हालांकि गुनाह कबूलने वाले दोनों आरोपियों के नाम पुलिस नहीं बता रही है। गैंगरेप के बाद 2 चचेरी बहनों का कत्ल कर पेट से लटकाने के इस मामले में पुलिस सभी 5 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 3 भाई हैं जबकि 2 सिपाही भी इस वारदात में शामिल थे। दोनों सिपाही बर्खास्त किए जा चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बदायूं जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटनास्थल का मुआयना किया। मायावती ने कहा कि सूबे में जंगल राज है और पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। इनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये जितना भी कसूर है आप अपने ऊपर ले लो, और इतना ही नहीं उन बच्चियों को
बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही थी, जो दोषी लोग थे उनको बचाने की पूरी प्लानिंग थी इनकी। मायावती ने गैंगरेप कांड को लेकर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर जोरदार हमला बोला। माया ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बयान से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। मुलायम ने मुंबई गैंगरेप पर बयान दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मायावती ने पीड़ित परिवार के लिए मदद का भी ऐलान किया। बीएसपी की सेंट्रल यूनिट की तरफ से दोनों बच्चियों के पिता को 5-5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। दोनों परिवार को अलग अलग से 5-5 लाख रुपए हम बहुजन समाज पार्टी सेंट्रल यूनिट की ओर से उनको आर्थिक मदद दे रहे हैं। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने भी बदायूं जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर मीरा कुमार ने कहा कि यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां सुरक्षा न हो। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान आज बदायूं जाएंगे। यहां वो गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले के बारे में जानकारी लेंगे। पासवान के साथ उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान भी बदायूं जाएंगे। बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सजग है, इसीलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की। यूपी में बढ़ रही रेप की वारदात के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदायूं गैंगरेप की निंदा करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभल में अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। बदायूं कांड पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई करवाकर जल्द से जल्द सभी आरोपियों को सजा दिलवाई जाएगी। यूपी पुलिस की वर्दी पर एक और बड़ा दाग लगा है। कानपुर देहात के राजपुर में एक अंडर ट्रेनिंग दारोगा ने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के घर में घुसकर रेप की कोशिश की। घर वालों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेरठ से भी एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के डीआईजी देवी प्रसाद श्रीवास्तव पर एक महिला दारोगा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोपी के डीआईजी ने छेड़खानी के अलावा अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया। डीआईजी के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के मथुरा में नौकरी मांगने गई एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला पेशे से टीचर है, जिसे स्थानीय इंटर कॉलेज के संचालक ने नौकरी देने के बहाने होटल में बुलाया, जहां महिला के साथ 3 लोगों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमाम दावों के बावजूद यूपी में महिलाओं के खिलाफ वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुजफ्फरनगर में छेड़खानी के विरोध पर एक दबंग ने मंदिर की पुजारिन को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। यूपी के गोरखपुर में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लड़की रात के अंधेरे में शौच के लिए जा रही थी। मामले को दूर पकड़ता देख पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अमरोहा रेप में नाकाम रहने पर कुछ दबंगों में एक लड़की की हत्या कर दी। वारदात 19 मई को हुई थी। हत्या का आरोप 4 लोगों पर लगा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अखिलेश राज में कानून का खौफ खत्म होता हुआ दिख रहा है। मामला इलाहाबाद का है, जहां पर रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस को देखते ही आरोपी ने उन पर बंदूक तान दी। बात बनती न देख उसने बंदूक अपनी कनपट्टी पर सटा दी और खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। उसकी पत्नी ने भी पति का साथ दिया। ग्रेटर नोएडा के जाचा इलाके में दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी के एनटीपीसी में काम करने वाले पप्पू नरेश और 3 लोगों ने नौकरी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बहराइच में पुलिस चौकी के अंदर एक नाबालिग के साथ बलात्कार की कोशिश करते हुए रसोइये को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एक बच्ची किसी तरह से पुलिस चौकी के अंदर पहुंच गई, तभी रसोइये ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। कौशाम्बी में रेप पीड़ित 2 नाबालिग लड़कियों की कस्टडी से अगवा किए जाने का मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पुलिस इस मामले में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसके हाथ खाली हैं। राजस्थान के झालवाड़ में 14 साल की लड़की की लाश मिलते ही सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद लड़की की हत्या की गई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की तफ्तीश में लग गई है। मुंबई से सटे भायंदर में दंदहाड़े 29 साल की एक महिला से गन पॉइंट पर रेप से हड़कंप मच गया। 2 आरोपियों ने महिला को जबरन कार में बिठाया, उसके बाद एक आरोपी ने चुप रहने की धमकी दी और दूसरा आरोपी ने रेप किया।
पहले आरोपियों ने महिला को काम दिलाने के बहाने भायंदर रेलवे स्टेशन के पास बुलाया, उसके बाद उसे कार में बिठाकर वारदात को अंजाम दिया। केस दर्ज करके पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के लोगों को आज से बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई को छोड़कर बाकी हिस्सों में 50% तक बिजली कटौती मुमकिन है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि एकाएक मांग ज्यादा होने और आपूर्ति कम होने की वजह से कटौती होगी। मुंबईकरों को आज पानी की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। मुंबई के कई हिस्सों में आज सप्लाई वाटर नहीं आएगा। बीएमसी का कहना है कि मरम्मत की वजह से पवई और सहार के बीच पानी की सप्लाई सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक नहीं आएगी। मुंबई के कोलाबा, चर्चगेट, नरीमन पॉइंट, नेवी नगर, चंदनवाड़ी, गिरगांव में वाटर सप्लाई बंद रहेगी। इसके अलावा मुंबा देवी, दादर, परेल, लालबाग, मोहम्मद अली रोड, नुल बाजार में भी पानी की सप्लाई पर असर होगा। लोअरपुर रेल, काला चौकी, धोबी घाट, महालक्ष्मी, पेडर रोड, मध्य मुंबई में भी वाटर सप्लाई पर असर पड़ेगा। इनके अलावा ग्रांड रोड, चर्नी रोड, मरीन लाइन, बांद्रा, क्वार्टर रोड और सांता क्रूज इलाके में भी आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। कैंपागोला सोसायटी में रहने वाले लोगों के लिए बीएमसी को चाबी सौंपने का आज आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक कंपाउंड खाली करने का आदेश दिया था, जिसके बाद बीएमसी ने 2 जून तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम पर आज जोधपुर सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा पीड़ित से शिवा और शिल्पी के वकील जिरह करेंगे। और सस्ती उड़ान का सपना दिखाने वाली एयरलाइंस से एयर एशिया की उड़ान पर रोक लग सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने उड़ान की इजाजत को नियम के खिलाफ बताया है। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए आयु सीमा को 2 साल बढ़ा दिया गया है। पहले परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों की आयु सीमा 31 से 30 साल होती थी, जो बढ़कर 21 से 32 हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन शुरू हो जाएगा। ग्रेजुएशन की 54,000 सीटों के लिए फॉर्म की बिक्री आज से शुरू हो जाएगी।